वेलकम टू माई चैनल IDB Finance। तो आज हम बात करेंगे DreamFox IPO के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो DreamFox है वो एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो एयरपोर्ट पर जितनी सर्विसेज होती है वो ये प्रोवाइड करवाती है अपने कस्टमर को। तो अब देखेंगे कि इस सर्विसेज में कौन सी सर्विसेज आती है। तो सबसे पहली सर्विस है लॉन्च एक्सेस, सेकेंड है मीट एंड असिस्ट, तीसरा है फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, चौथा है स्पा सर्विस, पांचवा है ट्रांजिट होटल नैप रूम एक्सेस, छठा है एयरपोर्ट ट्रांसफर सर्विसेज, सातवा है बगेज ट्रांसफर। तो ये सब सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। बट ये ध्यान में रखा कि ये सर्विसेज सब लोगों को नहीं मिलती। ये सर्विस DreamFox के मेंबर्स या फिर जिसके पास इसके कार्ड्स होते हैं उनको ये सर्विसेज मिलती है। अब ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है, मतलब एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, तो इसके अंदर इनका मार्केट शेयर है वो आज की तारीख में इंडिया के अंदर वो लगभग 95% है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल पर। सबसे पहले असेट्स देखते हैं। तो असेट्स 2020 से लेके 2022 तक असेट्स बढ़े हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 2020 से लेके 22 तक रेवेन्यू घटा है और इसका कारण है कोविड, क्योंकि लॉकडाउन के कारण फ्लाइट्स भी बंद पड़ी थी। अब प्रॉफिट की बात करें तो 2020 के अंदर था 31.68 करोड़ रुपीस, फिर 2021 में लॉस था लगभग 1.45 करोड़ का और 2022 में 16.25 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब बात करते हैं IPO की डिटेल्स के बारे में। तो ये IPO ओपन होगा 24 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक। IPO का प्राइस बैंड रखा है 308 से 326 रुपए के बीच में और ये 46 शेयर का लॉट है और 14,996 रुपए हमें एक लॉट में लगाने पड़ेंगे। इसका इश्यू साइज 562 करोड़ के आसपास है। अब मुझे जो कंपनी में नेगेटिव पॉइंट लगा वो ये है कि पूरे का पूरा इश्यू साइज है वो ऑफर फॉर सेल है। मतलब जो प्रमोटर्स है वो अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचकर निकल जाएंगे और कंपनी के ग्रोथ में एक भी रुपया नहीं जाएगा। तो ये नेगेटिव पॉइंट है। अब कंपनी की PE के बारे में बात करते हैं। मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो लगभग 104 के आसपास इसका PE है, थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो वो मोर देन 20% से ज़्यादा चल रहा है। अब जानते हैं मेन पॉइंट कि इस IPO में अप्लाई करें या ना करें। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से ये IPO अच्छा है। लॉन्ग टर्म के बारे में हम बाद में वीडियो बनाएंगे। अभी के हिसाब से लिस्टिंग के लिए IPO में पैसा लगाना चाहिए और ये मैं सिर्फ अपना व्यू रख रहा हूँ। आप अपने एडवाइजर से पूछ के पैसा लगाना। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक की लिंक है जिसमें फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ नया जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।